आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जो कि आप यहां पे गूगल से कैसे यहां पे टॉपिक ढूंढते हैं, जो कि गूगल से हम लोग कैसे टॉपिक पता करते हैं। लगभग सारे यूट्यूबर यहां पे इसी वेबसाइट के थ्रू एंड गूगल से ही पता करते हैं कि यहाँ पे रैंकिंग टॉपिक सबसे ज्यादा अभी यूट्यूब पे कौन सी टॉपिक यहाँ पे सर्च कर रहे हैं लोग, या सबसे ज्यादा सर्च कौन सी टॉपिक यानी कौन सा यहाँ पे टैग सर्च हो रहा है। तो आपको यहाँ पे या आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यू आते हैं फिर भी अर्निंग कम हो रही है, आपको यहाँ पे नहीं पता है कि कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग सारे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर हो या छोटे हो, जिनको ये पता है वो इसी के थ्रू ही अपना टॉपिक चूज करते हैं एंड अपने हिसाब से यहाँ पे जो टॉपिक पे ज़्यादा सर्चिंग होता है कि ये टॉपिक हम लोग की ज़्यादा सर्च बार में आएगी एंड इस टॉपिक को ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक पे बड़े यूट्यूबर या छोटे यूट्यूबर, लगभग सारे यूट्यूबर ही बनाते हैं इसी टॉपिक से पता करके एंड खोज के ट्रिक को इसी वेबसाइट के जरिए। तो वही आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ यदि आपको नहीं पता है कि गूगल से हम लोग कैसे यहाँ पे वेबसाइट ढूंढते हैं, कि कौन सी हम लोग को गूगल पे कैसे ढूंढते हैं कि कौन सी टॉपिक सबसे ज़्यादा रैंकिंग कर रही है एंड कौन सी यहाँ पे टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे तो अर्निंग सबसे ज़्यादा होगी। तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए बनाई गई है, आप इस वीडियो को बारीकी से एंड बिना एस्केप किए देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे सबसे बेहतरीन यहाँ पे गूगल से सर्च करने का ट्रिक एंड आपको वेबसाइट पता चल जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसी से अर्निंग करते हैं। उसके अलावा आपको समझ में भी आ जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा कि नहीं, उस वेबसाइट को देखते ही आप बोलेंगे जी हाँ यहाँ से ही अब मैं यहाँ पे वीडियो अभी टॉपिक सर्च करूँगा। तो आइए बिना लेट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं दीपक स्टूडियो टेक यूट्यूब चैनल। गाइस आज का ये वीडियो आपको बता ही है कि बहुत कमाल की होने वाली है, ये वीडियो आपको पर्सनली दी जा रही है क्योंकि आप यहां पे लगभग सारे यूट्यूबर इसी टॉपिक से, इसी गूगल के वजह से, गूगल से ही सारे यूट्यूबर पता करते हैं कि अभी कौन सा यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा टैग सर्च हो रहा है या टॉपिक सर्च हो रहा है, उसके अलावा कौन सी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है। सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ, ये वीडियो आपके लिए पर्सनली बनाई गई है, इस वीडियो को आप बारीकी से देख लेते हैं तो कसम से आप यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे न्यू टॉपिक कैसे ढूंढे एंड आपको टॉपिक में कोई परेशानी ही नहीं होगी कि हमारा यहाँ पे वीडियो सर्च बार में नहीं जा रहा है एंड हमारे वीडियो पे अर्निंग कम हो रही है। तो आइए बिना लेट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये वीडियो कमाल की होने वाली है, वीडियो एंड तक देख लेंगे, अच्छी लगी तो वीडियो की एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए बिना लेट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे जो भी ब्राउजर होगा अपने ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद आपको ऊपर के साइड में सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है ads.google.com। तो यहाँ पे मैं सर्च कर ले रहा हूँ ads.google.com। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपको गूगल एड्स ऑफिस दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे वेबसाइट पे। तो क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका वेबसाइट ओपन होगा, जो कि यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेबसाइट जो हम लोग का ऐप ओपन हुआ है, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं साइड में, यहाँ पे कॉन्टेक्ट यूज का एंड साइनिंग का एंड गेट स्टार्ट का। तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे टच करना है, जो यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट पे टच कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे साइनिंग नहीं करेंगे तो आपको साइनिंग का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले से साइनिंग करके रखा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत पहले से यूज करता हूँ, जब तक यहाँ पे मेरे हिसाब से लगभग सारे यूट्यूबर ही यहाँ से ही सर्च करते हैं, तो मैं जब अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था तभी से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिर्फ यहाँ पे 15% यहाँ पे प्रोसेस पूरा किया हूँ, आपको यहाँ पे 100% प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं इस वेबसाइट से, जो कि यहाँ पे गूगल एड्स है तो इससे आप अर्निंग भी करते हैं लोग, आप भी कर सकते हैं फुल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देके। तो मैं इसको सिर्फ यूज करता हूँ। तो आपको अपने टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, आपको साइनिंग करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक टूल बार का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं टूल सेटिंग का, इस पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं, जो कि हमें बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक सेटिंग के बारे में बताने सिर्फ आपको मैं यहाँ पे एक सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे हम लोग का है कीवर्ड यहाँ पे पैनल। देख सकते हैं कीवर्ड पैनल हम लोग का जो है, सिर्फ आपको इस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग का दोनों यहाँ पे जो आपको दो यहाँ पे इसके बारे में दो फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ, दोनों फ्यूचर हमें कीपैड पैनल में मिल जाएगा। तो आपको कीपैड पैनल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस कुछ खुल रहा है, थोड़ा लोडिंग लेगा। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको दो ऑप्शन में से आप यहाँ पे कीवर्ड किस लिए सर्च कर रहे हैं। यदि आप YouTube के लिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे नए कीवर्ड्स मिल रहा है, एंड आप कोई वेबसाइट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई कीवर्ड चूज कर रहे हैं, तो आपको गेट सर्च पे वॉल्यूम पे आपको जाना होगा। तो आपको यहाँ पे हम लोग YouTube के लिए सर्च कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड पे चलेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन पे हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको इस पे क्लिक करना है, जो आपको तीर का निशान दिख रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से यहाँ पे नया इंटरफेस खुल के आ जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे सर्च देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट विथ कीवर्ड से यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको इसी पे रहना है। स्टार्ट विथ यहाँ पे आपको वेबसाइट पे नहीं जाना है, तो आपको स्टार्ट विथ यहाँ पे कीवर्ड्स पे रहेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको एक टॉपिक यहाँ पे सर्च करना है। तो अभी फिलहाल में हम लोग को टॉपिक यहाँ पे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा न्यूज चल रहा है यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स। तो यहाँ पे मैं YouTube Shorts यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं YouTube Shorts यहाँ पे सर्च करेंगे। आपको जैसे अपना जो कीपैड आपका है, जो आपका जो बोलो यहाँ पे जो आपका टॉपिक का कीवर्ड है, एंड आपको उसको बोल सकते हैं टैग, उस टैग को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे फाइनली आपका यहाँ पे कीवर्ड लिख लेंगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पे गेट रिजल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके बारे में समझ लेना है कि ये टूल्स क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले अपना लोकेशन चूज करना होगा कि हम लोग का यहाँ पे कौन सी कंट्री हम लोग की यहाँ पे टारगेट है। तो मेरी कंट्री तो इंडिया टारगेट है, आपका कंट्री जो होगा वो चूज कर लीजिएगा। एंड हमें यहाँ पे लैंग्वेज मिल जा रहा है, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपका कौन सी लैंग्वेज में आप वीडियो बना रहे हैं, एंड इंग्लिश भी आप चूज कर सकते हैं, हिंदी भी। तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज कर रहा हूँ कि हिंदी में कितने लोग यहाँ पे कीपैड सर्च कर रहे हैं। तो इंग्लिश में भी आप रख सकते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं, तो कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एंड आपको मिल जाता है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कि यहाँ पे सर्च नेटवर्क, यानी कि कौन से नेटवर्क से आप सर्च कर रहे हैं। तो गूगल से हम सर्च करना चाहते हैं कि गूगल पे कौन सा यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं लास्ट 12 मंथ हमें यहाँ पे डेट मिल जा रहा है, कितने डेट का हम लोग को सर्च करना है, यानी कि कितने दिन का हमें सर्च करना है, कौन से मंथ में कौन सा टॉपिक रैंकिंग था। तो हमें तो अभी फिलहाल का यहाँ पे सर्च करना है, तो हम लोग चलेंगे डेट में। यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, कस्टम, लास्ट मंथ, यहाँ पे लास्ट 12 मंथ, एंड यहाँ पे लास्ट 24 मंथ, एंड यहाँ पे ऑल एवरेज मिल जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि दूसरे ऑप्शन पे जो यहाँ पे लास्ट मंथ का ऑप्शन मिल रहा है, लास्ट मंथ पे हमें टच करना है। क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कुछ नया इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बार में हम लोग यहाँ पे YouTube Shorts यहाँ पे पहले से टैग यहाँ पे सर्च है, जो कि पहले ही कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल जा रहा है, जो आप कीवर्ड सर्च किए हैं वो आपको सारा कीवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आपको मिल जाता है, देख सकते हैं एवरेज यहाँ पे मंथ सर्च, यानी कि कितने लोग आपके इस टैग को सर्च कर रहे हैं इस मंथ में, या कोई भी मंथ में कितने लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो एवरेज हमें बता रहा है। एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपटीशन बता दे रहा है अब कि हम लोग के वीडियो में कंपटीशन कितना है, जो कि इस टैग पे कंपटीशन कितना है। एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं एड इंप्रेशन यहाँ पे बता दे रहा है कि एड का इंप्रेशन क्या है, इसका कितने अर्निंग हो सकती है। एंड आपको यहाँ पे टॉप पेज भी दे रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स यहाँ पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो YouTube Shorts यहाँ पे देख सकते हैं 1,000 से लेके यहाँ पे 10,000 तक सिर्फ लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यानी कि आपको YouTube Shorts यहाँ पे लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, जो हालांकि थोड़े बहुत लोग जान रहे हैं इसके बारे में वही सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1,000 लेके यहाँ पे 10,000 तक के लोग सर्च कर रहे हैं। इसका कंपटीशन बिल्कुल लो है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई कंपटीशन नहीं है, हाई नहीं है बल्कि लो है। आपको कंपटीशन 3 को मिल जाता है, यहाँ पे 3 कंपटीशन मिल जाते हैं, लो, हाई एंड आपको यहाँ पे मीडियम। यहाँ पे आपको सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि आपका यहाँ पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता है, देख सकते हैं एवरेज यहाँ पे मंथ सर्च बता दे रहा है। एंड आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका यहाँ पे अर्निंग कितना होगी, यहाँ पे कीपैड यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स में अर्निंग आपकी कितना हो रही है।
तो यहाँ पे अर्निंग देख सकते हैं 1.5 रुपए से ऊपर है एंड आपको यहाँ पे 41 रुपए तक अर्निंग हो रही है। यानी कि आपको इस यहाँ पे YouTube शॉर्ट्स के यहाँ पे आपको बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। YouTube शॉर्ट्स पे आप वीडियोस शूट कर रहे हैं तो आपको अर्निंग बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। एंड आपको नीचे जाएंगे तो और हम लोग देख लेते हैं कि और यहाँ पे टैग जो सजेस्ट किया है उस पे हम लोग को क्या मिल रहा है, कितना कंपटीशन है, कितना नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक और कीवर्ड मिल जा रहा है जो कि इसका भी देख सकते हैं, YouTube मूवी यहाँ पे जो हम लोग को मिल जा रहा है जो कि यहाँ पे YouTube मूवी है। एंड आपको यहाँ पे इसके 100 से 1000 यहाँ पे सर्च कर रहे हैं लोग इसको YouTube मूवी। एंड आपको इसका कंपटीशन लो है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है कि देख सकते हैं कि आपका अर्निंग इसमें बहुत काफ़ी हो रही है। सॉरी, यहाँ पे अर्निंग आपको YouTube शॉर्ट्स से यहाँ पे कम ही अर्निंग हो रही है एंड आपको इस टॉपिक में अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही है। एंड आपको YouTube शॉर्ट्स के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो 1000 से लोग 10000 तक लोग सर्च कर रहे हैं एंड इसका कंपटीशन लो है। सर्च बार में आपका वीडियो आने का यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर 1M तक रहता तो आपका यहाँ पे सर्च बार में इस टॉपिक को आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता। लेकिन इसमें अर्निंग बहुत अच्छी खासी हो रही है, जिनके व्यू आते हैं, जिनके चैनल पर अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं वीडियो पर, वो लोग अर्निंग इस टॉपिक से ज़्यादा कर सकते हैं। 1.82 रुपए से लेकर यहाँ पे 41.17 रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे अर्निंग बहुत काफ़ी हो जा रही है। तो आप यहाँ पे और एक यहाँ पे शॉर्ट कीपैड, यहाँ पे एक और यहाँ पे आप कीपैड सर्च करके देख लेते हैं, कोई भी एक और यहाँ पे टैग सर्च कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्च करके मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या सर्च। तो यहाँ पे देख सकते हैं कीपैड में मेरा यूट्यूब CTR लिख चुका हूँ। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से इसका रिजल्ट आ चुका है। हम लोग यहाँ पे पहले से इस यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन पहले से ही डाल चुके हैं। तो उसके अलावा आपको देख सकते हैं कि YouTube CTR हम लोग को कितने लोग सर्च कर रहे हैं फिलहाल में। तो आपको YouTube CTR यहाँ पे देख सकते हैं 100 से 1000 के लोग सिर्फ यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, बहुत कम लोग YouTube CTR के बारे में सर्च कर रहे हैं। एंड इसका कंपटीशन बिल्कुल लो है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंपटीशन बिल्कुल लो है। एंड आपको अर्निंग इस पे बहुत ज़्यादा हो रही है YouTube CTR पे। यहाँ पे देख सकते हैं 10.29 रुपए से लेके यहाँ पे 29, यहाँ पे देख सकते हैं 10.29 रुपए से लेके यहाँ पे आपको 97.69 रुपए तक हो रही है, 79 रुपए तक। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं इस टॉपिक पे अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है। यदि आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं तो आप इस टॉपिक पे वीडियो तैयार करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। एंड कोई और यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई YouTube CTR में कोई सजेस्ट नहीं किया है, सिर्फ आपको एक ही टॉपिक मिला है। तो आप इस प्रकार से कुछ टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये टॉपिक कितने लोग सर्च कर रहे हैं, इसका कंपटीशन क्या है एंड इसमें अर्निंग कितनी हो रही है, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि गूगल से हम लोग कीपैड कैसे यहाँ पे सर्च करते हैं, कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा सर्च बार में आ रही है। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारी चाहिए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो फॉर वॉच टाइम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नया जानकारी लेके। तो थैंक यू दोस्तों।